हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज फिर से चंबा जाना चाहता था, लेकिन दोस्तों सच बताऊं तो घर वालों ने ना इस खराब मौसम के चलते मेरे को रोक लिया, क्योंकि घर वाले 0.01% भी रिस्क नहीं लेते भाई मेरे को बिल्कुल भी ऐसी बारिश में भेजने का। इसके पीछे का एक रीजन है, आपको पता है यहाँ पे ना पहाड़ में मतलब स्लाइड वगैरह होती रहती है। खासकर ये जो मौसम चला हुआ है, इस मौसम में क्या होता है कि ये जो आप हमारे खेत देख पा रहे हो ना, पानी का काफी हद तक जो है वो रिसाव इसके अंदर हो जाता है, और ये जो पत्थर लगे है ना ये सारे के सारे गिर जाते हैं। फिलहाल अभी टाइम सुबह का हो रखा है दोस्तों, और मैं निकल रहा हूँ हल्का सा प्लान बनाकर। आप सोच रहे होंगे कि भला सुबह सुबह ऐसा क्या प्लान मैंने बना लिया, तो दोस्तों आपको बता दूं सच कि यार बारिश वाला दिन है और ऊपर से बीच बीच में धूप भी निकल रही है, पता नहीं क्यों अब धूप जो है वो मतलब थोड़ी थोड़ी करके निकल रही है। कुल मिला के मेरा तो जाना कैंसिल हो ही चुका, तो ऐसे में मैं सोच रहा था कि क्यों ना फिर एक बार ये जो बारिश वाला दिन है ना, तो क्यों ना थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट हो जाए, एक बारिश के मजे ले लिए जाए, कुछ खाने को बनाया जाए। एंड सच बताऊं भाई, आसपास से ना बड़े दिनों के बाद जो छोटी छोटी चिड़िया होती है वो चीची कर रही, शायद आपको कैमरा में दिखाई दे रही होगी। बीच बीच में अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भला बारिश में कैसा सेलिब्रेशन हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैं सोच रहा था ऐसे भी बेड के ऊपर तो लेटे रहना है, तो क्यों ना डेली की तरह पास वाली मार्केट को चला जाए, कुछ वहां से खरीदा जाए और वापस आके घर में कुछ ना कुछ आज बारिश के दिन जो वो बनाया जाए, क्योंकि बारिश में खाने का जो मजा है ना वो तो एक अलग ही लेवल का होता है। ऊपर से ना बारिश के बीचों बीच अगर आप देखेंगे हल्की हल्की तो ब्राइटनेस भी आ रही है, इसकी मेन वजह की सूरज भी बीच बीच में निकल रहा है, जिसको हमारे यहाँ पे बचपन में बोलते हैं कि गीदर की शादी लगी हुई है, वो वाली शादी जो कुल मिला के आज हो रही है। फिलहाल रोड में दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं, और मजे वाली ये बात है कि इस बारिश में ना दोस्तों एक चीज जो बहुत अच्छी हो जाती है कि गाड़ी भाई हमारी अच्छी तरह से ऊपर से भी प्रॉपर क्लीन हो जाती है। ऐसे भी नहीं, यहाँ पे वॉशिंग सेंटर को लेकर बहुत बड़ी दिक्कत है, मैंने ऑलरेडी अपनी कई वीडियो में मेंशन करा हुआ है। तो चलो, बारिश का एक फायदा तो हो ही जाता है, तो अभी फटाफट निकलते हैं यहाँ से। देखो तेल के ना खाली दो डंडे बचे और इंजन बिल्कुल ठंडा है, ये दोनों लाइनें उस चीज को इंडिकेट करती है। एंड इसको हम बोल सकते हैं ये जो तेल कम होता हुआ कि भाई दुख वाले दिन आयो रे भैया। अब फिलहाल दोस्तों आपको फन की बात बता दूं, तो मैं जब भी तेल डलवाता हूं ना तो मैं ऑलवेज टैंकी को फुल करता हूं, मतलब 1000-1500 का तेल मैंने अभी कभी भी नहीं डलवाया। इसके पीछे का रीजन ये है, मेरे को शुरू में जब मैंने नई गाड़ी ली थी ना तो मेरे को पता नहीं था, और किसी ने बोला था कि अगर आप गाड़ी की टैंकी को अगर फुल करवाते हो ना तो आपको अच्छी माइलेज देती है, और मैं भी मान गया। एंड भाई फन फैक्ट ये भी है कि जब मैंने गाड़ी ली थी नई नई ना, उस टाइम पे मेरे को जो है ना दोस्तों वो सीट बेल्ट पहननी नहीं आती थी। चलो आज की डेट में इतना तो सीख गया, तो ये कुछ मिथ थे जो कि मैंने सीखे। फिलहाल अभी अगर थोड़ा सा कैमरा आगे करेंगे, कैमरामैन देखो भाई ऐसे मेहनत की जा रही है, तो चलो अभी चलते हैं, यहाँ से कम 5 या 10 मिनट मुश्किल से लगने वाले हैं। तो चलो फाइनली अभी दोस्तों शॉप में मैं एंटर कर चुका हूँ, एंड यहाँ पे ना कुछ चीजें और भी आ जाती है, जैसे कि जाते टाइम रिक्शू के लिए मुझे घी लेना मिसिंग हो गया था, तो चलो एक घी भी निकाल लेते हैं यहाँ से। चलो ब्रिटानिया का हो गया, और साथ में कुछ यहाँ पे एग्स जो कि बहुत कंपलसरी होते हैं, आपको पता है गर्म गर्म चीज़ें सिस्टर के लिए, ये लेके चलते हैं सबसे पहले। तो जो भी सामान था ना दोस्तों फाइनली हमने यहाँ पे ले लिया, देखो मतलब सब्जी वगैरह सब इसमें आ गया है, अंडे देसी घी वगैरह, तो ये कुल मिला के सामान था। अब इसमें से हमारी जो हल्की सी मतलब पार्टी है उसका भी सामान आ गया है, तो चलो टाइम है अभी यहाँ से निकलने का और वापस घर जाने का, क्योंकि यहाँ पे भाई 1.5 घंटा हो गया आए हुए और पता नहीं चला, बट आज मौसम जो है ना बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा। तो घर में दोस्तों अभी कुल मिला के मैं पहुंच चुका हूँ, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मम्मी प्यार कर रही है शोईमुई से, और आज ना टीबू से नहीं, शोईमुई इसका नाम, शोईमुई शोईमुई इधर देखो, गुड गर्ल, यहाँ अब नोटिस करने लगी है धीरे धीरे। शुभ इधर देखो, शुभ इधर देखो, इधर देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, शुभ यहाँ देखो, अभी नहीं देख रही, एक ही बार शायद से इसने देख लिया, पता नहीं कैसे सुन लिया, सरप्राइज बोला होगा मैंने। अभी तबीयत बढ़िया है आपकी? बढ़िया बढ़िया है। मम्मी भी थोड़ा बोल रहे थे कि सुबह उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, अब पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जब भी मैं घर से जाने लगता हूँ तो मम्मी बोलती है कि बस मेरी तबीयत अब अच्छी नहीं है ऐसा। मम्मी जानबूझ की तो नहीं करते हो आप? जानबूझ के क्यों करना? तो फिर अक्सर जब मैं जाने लगता हूँ तभी क्यों ऐसा होता है? तो पता नहीं, हो जाती है तबीयत खराब होती रहती है ठीक। फिलहाल देखो मेरे से खुश हो या नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा फ्रिज जो है मैंने पूरा यहाँ पे सब्जी से लाकर भर दिया है, और जब मैं घर में नहीं रहता ना मम्मी ये फ्रिज खाली रहता है ना, तो और खाली रहता है कौन जाता है मार्केट को, कौन जाता है? रिया तो कॉलेज पढ़ती नहीं है ना बेचारी, वो तो सारे के सारे, आप कहाँ होती पता क्या होता है, मतलब ये लोग इतना फ्रिज नहीं कभी भर के रखते हैं, और ये चीज दीक्षु को भी पता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, सिर्फ आपस बोलते हैं ना, मतलब जुगाड़ करते हैं खाने का खाली खाली, कभी एक पैकेट मैगी ले आएंगे, कभी क्या ले आएंगे, कभी मतलब दो जने होते हैं तो मतलब भाई जैसे आए वैसे काम चलता है। तो लो जी, कोको को भी पता चल चुका है कि घर में फाइनली चिकन आ गया पार्टी के लिए, तभी देखो ये भी कितना प्लेफुल हो जाता है। अबे नहीं बे, ये चिकन नहीं है, ये चिकन नहीं है, हाथ चिकन नहीं है कोको, हाथ चिकन नहीं है कोको, शाबाश शाबाश कोको, शाबाश शाबाश। तो चलो दोस्तों, आप लोगों को भी पता चल गया होगा जैसे कि मैंने बोला कोको ऑनलाइन में कि मैं चिकन ले गया था, तो एक्चुअली मैं इसको होम स्टे में ही कुक करेंगे और थोड़ा बारिश का मजा लेंगे, हल्की हल्की बारिश जो वो अभी स्टार्ट भी हो चुकी है, एंड
मैं जा रहा हूँ भाई अंदर, क्योंकि अब मेरे को ना चिकन की सारी तैयारी जो है वो यहीं से करके लेके जानी है, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि होम स्टे में ही करूँ। तो मम्मी का बोलना ऐसा है कि होम स्टे में ना अभी मतलब दिन में आग वाग मत जलाओ, बोले लोग वोग जाते रहते हैं तो वो बोलते रहते हैं कि क्या यार दिन में ही चिकन बना रहे हैं, मतलब समझ सकते हो ना फैमिली में एक होता है। तो वो बोल रहे थे कि शाम का इंतजार कर लो, एंड फाइनली अभी आप देख सकते हैं कि बाहर शाम हो चुकी है और दीक्षु तो बेचारी खाएगी अपना बेसिक सा खाना, है ना। हाय, खुश हूँ मैं इसी में। एक मुक्का पड़ा ना तेरे लिए, पता क्या क्या ले आया, अंडे लेके आया और घी लेके ना, मेरा काम अच्छा फिफ्टी होता है, ठीक है। क्या अंडे मैं नहीं खाता भाई, हमने एक महीने में तीन किलो घी क्या बोले घी खा रखा। खाने वाले कितने लोग थे? नौ लोग, मैं और आप ही थे ज्यादा, मतलब। और उसमें से कोई क्या कभी क्या, चलो जो भी है, बोलते है ना वो इंसान कमाता क्यों है, खाने के लिए तो कमाता, अगर खाया नहीं तो फिर कमाने का क्या फायदा। तो खुल के खाओ, खुल के जियो। तो आग दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइनली जल चुकी है और अंधेरा प्रॉपर हुआ नहीं है, आसमान में जो है वो बादल बादल अभी भी छाए हुए हैं, मतलब शाम वाली फीलिंग जो यहाँ बड़ी कमाल की आ रही है। बस होम स्टे की लाइट जो अभी हम खाली ऑन करने जा रहे हैं, और एक बार लाइट ऑन कर दो करण भाई वहां से, फिर बाहर का व्यू जो क्लियर आ जाएगा। हमारा एक नया मेहमान हमारे साथ जुड़ चुका है जिसका नाम आपको बताइए कोको जी, और चिकन यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से लगभग लगभग जो है वो मतलब इधर रखने को हो गया है तैयार, ठीक है। अब इसको आग ही ना लग जाए भाई, थोड़ा बचा के रखना पड़ेगा। देखो इसको रख दिया, अब एक ये है ना पुराने टाइम का एक सुआ टाइप का पड़ा हुआ है मेरे पास, और इस सुए से भी ऐसे चिकन को लगा के और एक साइड रख देंगे और फिर करते हैं कुकिंग की तैयारी। क्यों करण भाई? क्योंकि आजकल जो हम पार्टी करते हैं उसमें हमारी फैमिली जो आपको पता है इंक्लूड रहती है, तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि रिया भी यहाँ पे ना आ गई है। Hello. और रिया भी चिकन खाती है, उधर अपने करण भाई तो बैठे हुए, और चिकन लगभग लगभग जो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो मैंने यहाँ पे डंडियाँ डाली थी और ये लगभग थोड़ी देर में तैयार हो जाएंगी, मतलब तैयार होने की कगार पे आप ये बांध सकते हैं कि आ गई हैं अभी। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा जो चिकन है वो फाइनली रेडी हो चुका है। रिया जी लो बेटा खा लो, पिछली बार की तरह बिल्कुल टेस्टी होगा। बिल्कुल क्यों नहीं होगा, 100% 101%, पर थोड़ा सा खींच लो आगे से, ऐसी बात नहीं, देख के थोड़ा गर्म ना लग जाए, ठीक है। खींच लो, नहीं नहीं ऐसे नहीं लगेगा, खींच लो। हाँ चलो चेक करके बताओ करण भाई, इट इज योर टर्न। तो कुछ ऐसे ऐसे करके भाई शांति से खाते जाए, वाह क्या तरीका निकाला है निकालने का। इधर देख लो, बताओ तो सही, लोगों को खा के बताओ यार, ये हर बार की तरह बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी है करण भाई, सच में सच बोलते हो। ऐसे मैं सोच रहा था मैं ऐसे खा के बताऊं, वो पकड़ना कैमरा पकड़ना, ऐसे ही खाते हैं ना, पर उसमें वो डंडा थोड़ा अलग हो यार, यही तो होता है, यही होता है, ऐसे होता है पर गर्म होगा। ये खा के तो देखते हैं, सच में अभी जाके थोड़ा चिकन मुंह में आए, पर सच में ये बहुत स्वादिष्ट है, मजा आ गयो। गुड मॉर्निंग दोस्तों वंस अगेन। तो रात को ना जल्दी सो गए थे क्योंकि भाई हमें सुबह सुबह निकलना है चंबा के लिए, आपको पता दो दिन ऑलरेडी डिले हो चुका है। तो अभी मैं सुबह सुबह ही तैयार हो चुका हूँ, लगभग 8:30 बजे का टाइम अभी हो रहा है, और यहाँ पे बारी है अपनी सियों पियों को बाय बाय करने की। शिपी गुड मॉर्निंग, शिपी गुड मॉर्निंग, एक बार जब मामा को पप्पी, शिपी गुड मॉर्निंग। चलो ये तो अच्छे से उठने रही, चलो ठीक है दीक्षु, जल्दी जल्दी आना, ठीक है माता जी बाय बाय। आप क्या हमेशा इधर ही बैठे रहते हो, लोग बोलते रहते हैं। नहीं तो मैं यार दीक्षु को खाना खुना खुआ के यहाँ बैठ गई। फेवरेट कॉर्नर है क्या आपका, फेवरेट है ना। चलो कुक बाय, कुक बाय, ओए चल बाय 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 बाय, हेलो कर दे, हेलो कर दे, गुड बॉय, बाय बाय, ठीक है अज्जू भाई, टेक केयर, है ना। तो अज्जू भाई को भी यहाँ पे भाई हो गया, वैसे शाम को अज्जू भाई साथ ही थे। तो चलो दोस्तों कुल मिला के अज्जू भाई से भी मिलना हो गया है, तो अभी हम गाड़ी स्टार्ट कर चुके हैं और मैं और करण भाई जा रहे हैं। और आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि करण भाई जो है ना अब कैफे में जाके, क्योंकि सारा का सारा सामान मतलब काम संभालना है, तो करण भाई वहाँ पे बींग ए मैनेजर वर्क करेंगे। तो नई जॉब मिलने पे कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर, थैंक यू बोल दो। थैंक यू भाई।
तो वैसे करण संभालेगा अब कुछ टाइम के लिए वहाँ पे, क्योंकि अब मेरा तो ऐसा है ना, आपको पता है आना होता है जाना होता है, परमानेंटली मैं वहाँ पे रह नहीं सकता, कुछ दिक्कतें हैं। तो चलो अभी क्या करते हैं, फटाफट यहाँ से निकलते हैं गाड़ी में। कल का आपको पता ही है भाई, कल का क्या इसी ब्लॉग में तो बताया कि तेल देखो एक डंडा रह गया, अब इसको भी कहीं जाके पूरा भरवाते हैं। तो फाइनली दोस्तों काफ़ी देर ट्रैवल करने के बाद हम लोग चंबा पहुँचने ही वाले हैं, बट यहाँ पे ना पास में बिल्कुल डैम साइट है और साथ में है पानी। मैंने कहा थोड़ी देर यहाँ पे रुक लेता हूँ और थोड़ा मतलब रेस्ट भी हो जाता है प्रॉपरली, और हवा बड़ी प्यारी आती है यहाँ पे। हालांकि अभी तक हिमाचल में ठंडी है, मतलब यहाँ तक तो मुझे ठंड लग रही है, आगे क्या होता है डोंट नो। चलो अभी चलते हैं। तो लो जी दोस्तों, धीरे धीरे म्यूजिक सुनते हुए आराम से चलते चलते फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं चंबा में, और अभी चलता हूँ मैं कैफे को थोड़ी देर में, क्योंकि वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या माहौल है क्या नहीं है, और आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ कि एक्चुअल मैं कैसी परफॉर्मेंस जो वो चल रही है कैफे की। तो आई होप दोस्तों आज का ये दो दिन का एक ही व्लॉग हो गया लगभग, तो ये आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूले। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इंस्टा पे भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। भगवान के आपका समय शुभ हो, टेक केयर एंड बाय बाय।